चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी नीट का रिजल्ट आ चुका है और कुछ ही दिनों में एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद में स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो एमसीसी की काउंसलिंग कैसे करवानी है आपने, इसका मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस बताऊंगा। तो ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट सीट मिलने तक, सीट ज्वाइन करने तक क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पूरा देखने के बाद इसको लाइक करके इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए छूट ना जाए, क्योंकि हरेक स्टेट के वीडियोज में यहाँ लेके आऊंगा काउंसलिंग के लिए, हरेक आपको अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर काउंसलिंग के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे और आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। इस बुक में मैंने 2022 में आपको कैसे च्वाइस फिल करना है उसके लिए लिस्ट दे रखी है, सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी दे रखी है, इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स सभी के बारे में जानकारी है। ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अब बात करते हैं हम एमसीसी के रजिस्ट्रेशन से लेके लास्ट सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग तक किस किस स्टेप से आपको गुजरना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बता देता हूं। तो सबसे पहले एमसीसी का शेड्यूल जारी होगा काउंसलिंग के लिए। जैसे ही शेड्यूल जारी हो जाएगा उस शेड्यूल के मुताबिक आपको एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी ड्रॉप करने के बाद में आपने रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन की जो स्टेप्स है वो सिंपल सी होती हैं, हम उस समय वीडियो बना के बता देंगे कि आपको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी है। वो रजिस्ट्रेशन फीस जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रूपीज है, ओबीसी एससी एसटी 500 रूपीज है ये। इसके बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है काउंसलिंग के लिए। ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है गवर्नमेंट की कंडीशन में जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 10000 रूपीज है और एससी एसटी ओबीसी के लिए ये 5000 रूपीज है। इसके अलावा अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रूपीज है और सिक्योरिटी मनी उसकी 2 लाख रूपीज है। तो अगर आप डीम्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 2,05,000 रूपीज पे करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस की कंडीशन में 11,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा और एससी एसटी ओबीसी की कंडीशन में आपको 5,500 रूपीज पे करना पड़ेगा। अब जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको 2,05,000 रूपीज पे करना है, ये सभी कैटेगरी के लिए समान है, इसमें कोई कैटेगरी के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस में कोई छूट नहीं है। तो इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको च्वाइस फिल करनी है। अगर आपने 2,05,000 रूपीज पे किया है तो आपको सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी और सभी गवर्नमेंट कॉलेज उसमें अवेलेबल होंगी, सभी के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। और जब आपने गवर्नमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और सिक्योरिटी फीस और रजिस्ट्रेशन फीस पे की है तो आपको सिर्फ वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज ही अवेलेबल होंगी। अब इसमें जो कैंडिडेट ईएसआईसी से हैं या फिर डीयू कोटा से हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करते समय ही इसका ऑप्शन मिलता है। ईएसआईसी का तो ऑटोमेटिक उसमें ऑप्शन आ जाता है, अगर आपने ईएसआईसी सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो उसमें च्वाइस फिलिंग के दौरान ईएसआईसी का ऑटोमेटिक वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन आप अगर डीयू से हैं तो आपको डीयू की डिटेल फिल करनी होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम में। अगर आप एएफएमसी में जाना चाहते हैं तो एएफएमसी के लिए यहां पर टिक करना होगा। इसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो एएफएमसी का प्रोसेस एएफएमसी द्वारा ही करवाया जाएगा एडमिशन। यहाँ एएफएमसी का रजिस्ट्रेशन तक ही प्रोसेस होता है, बाकी एएफएमसी खुद करवाता है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। इसके बाद आपने च्वाइस फिल करनी है। च्वाइस फिल कैसे कैसे करनी है ये बुक में मैंने पूरा प्रोसीजर समझा रखा है। च्वाइस फिल करने के बाद आपको रिजल्ट का वेट करना है। तो रिजल्ट का वेट करने के बाद में जैसे ही रिजल्ट आउट हो जाएगा, रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा,
तो इसमें आपके पास दो कंडीशन रहेंगी, या तो आपको सीट मिल गई या फिर आपको सीट नहीं मिली है। तो आपको अगर सीट नहीं मिली तो आप सेकंड राउंड में जाएंगे, सेकंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करने की आवश्यकता नहीं है, यही रजिस्ट्रेशन मान्य होगा उसमें। अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप उस पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो एमसीसी का फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, आपको यहां पर कोई नुकसान नहीं होगा, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं यहां पर आपको कोई फीस का नुकसान होगा, आप सेकंड राउंड के लिए इलिजिबल बने रहेंगे, स्टेट के लिए भी आप इलिजिबल बने रहेंगे। तो आप इसको एक कंडीशन में तो फ्री एग्जिट कर सकते हैं अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो। दूसरी कंडीशन यह है कि आप उस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉलेज में जाएंगे, वहां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फीस सबमिट करेंगे और उसके बाद में आप एडमिशन ले लेंगे। जब ये आप प्रोसेस से गुजर रहे होंगे तब आपको अपग्रेड के लिए आपको यहां पर यस और नो का ऑप्शन देना पड़ेगा उसी कॉलेज में, यानी कि इस सीट को आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो यस का ऑप्शन देंगे, अदरवाइज नो का ऑप्शन देंगे। अगर इसमें आप नो का ऑप्शन देते हैं तो फिर आप सेकंड राउंड के लिए इलिजिबल नहीं रहेंगे, आपका काउंसलिंग यहीं एंड हो जाता है। मतलब कहने का मतलब, अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते कि मतलब इसी सीट पर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो फिर सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये सारा प्रोसेस है फर्स्ट राउंड का, फर्स्ट राउंड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और जो ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है स्टूडेंट को वो तकरीबन 7 डेज का टाइम दिया जाता है। अब जो फर्स्ट राउंड की ज्वाइनिंग का एंड डेट होता है उससे लेके जो सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तब तक के इसमें 4 या 5 दिन या 7 दिन का समय दिया जाता है। इस 7 दिन के दौरान एमसीसी एक नोटिस जारी करता है कि जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड की सीट ज्वाइन कर ली और वो उस सीट को छोड़ना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक डेट दी जाती है, उस डेट तक उस सीट को आप छोड़ सकते हैं। अगर उसके बाद उस सीट को नहीं छोड़ते हैं, जीवन टाइम तक अगर सीट को नहीं छोड़ते हैं तो उस सीट पर आपको ज्वाइन माना जाएगा, अगर सेकंड राउंड में आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो। सेकंड राउंड में सीट अपग्रेड नहीं होती है तो फर्स्ट राउंड की सीट पर ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा जो आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये कंडीशन आपको देख लेनी है उसमें। मैं आपको यहां पर एक क्लू बता देता हूं, आपके लिए एक फायदे की बात ये बता देता हूं कि मान लो ये टाइम निकल जाता है, उसके बाद आप सोचते हैं सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के दौरान कि मेरे को तो अभी फर्स्ट राउंड वाली सीट लेनी नहीं है, तो आप एक ऐसी कॉलेज फिल कर दो जिसमें आपका इजिली एडमिशन हो जाए, फर्स्ट राउंड से आप रिलीव हो जाओगे और सेकंड राउंड में आपने ज्वाइन नहीं करनी है, उस राउंड में उस कंडीशन में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी, लेकिन आप आगे की काउंसलिंग के लिए इलिजिबल रहेंगे। ये एक रास्ता है यहां पर, अगर आपने गिवन टाइम तक फर्स्ट राउंड को रिजाइन नहीं किया है और फर्स्ट राउंड में आप रहना भी नहीं चाहते हैं तो ये रास्ता अपना सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन एमसीसी के शेड्यूल के मुताबिक स्टार्ट हो जाएंगे, तो जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो फ्रेश है, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस सेकंड राउंड में, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करके सिक्योरिटी फीस वगैरह रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह डिपॉजिट कर दी है वो इसमें, उनको आगे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है सेकंड राउंड में, वो इसमें इलिजिबल है। तो इसमें फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, इलिजिबिलिटी के लिए यही है कि इसमें वो कैंडिडेट इलिजिबल हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है, जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है और जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है वो कैंडिडेट भी इलिजिबल है। मेरा कहने का मतलब है कि उन कैंडिडेट को छोड़ के सारे कैंडिडेट इलिजिबल है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया है वो कैंडिडेट इसमें इलिजिबल नहीं है, बाकी सारे कैंडिडेट इलिजिबल हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में प्रोसेस सेम है, रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करने का और रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करके च्वाइस फिल करनी है। यहां पर च्वाइस फिल सभी कैंडिडेट को करनी है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में च्वाइस फिल किया था उनकी च्वाइस यहां नल हो जाती है, बिल्कुल खाली हो जाता है, च्वाइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वैकेंट रहता है यहां पर, तो आपको सेकंड राउंड में फिर से च्वाइस फिल करनी है चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। सेकंड राउंड में आप च्वाइस फिल करेंगे, यहां इसी दौरान आपको एक रीसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। रीसेट रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था, सेकंड राउंड में आप ये सोच रहे हैं कि मैं डिम्ड में भी अप्लाई करूं, तो वो रीसेट रजिस्ट्रेशन करके आप बैलेंस फीस डिपॉजिट करके सेकंड राउंड में डिम्ड के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये रीसेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है
वो इंटायर प्रोसेस में एक ही बार मिलता है। अगर आपने एक बार यूज कर लिया उसके बाद रीसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सेकेंड राउंड की च्वाइस फिल कर देंगे और सेकेंड राउंड की च्वाइस फिल करने के बाद में सेकेंड राउंड का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। सेकेंड राउंड का रिजल्ट पब्लिश होने के बाद में रिपोर्टिंग टाइम वही 6 या 7 दिन का दिया जाता है। तो इसमें भी आपके पास दो कंडीशन है। दो कंडीशन वो है कि एक तो सीट अलॉट होगी, दूसरी सीट नहीं अलॉट हुई। तो जिनको सीट अलॉट नहीं हुई वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जिनको सीट अलॉट हो चुकी है सेकेंड राउंड में उनके लिए भी दो ऑप्शन है। अगर वो इस सीट पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा। अगर वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की थी वो आपकी सिक्योरिटी मनी यहाँ फॉरफिट हो जाएगी। यानी कि मोपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन फिर से सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करनी होगी। तो ये प्रोसेस रहेगा उस कंडीशन में। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, आपको सीट अलॉट हो जाती है तो वही सेम प्रोसेस है। कॉलेज में आपको जाना है, डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करना है और उसके बाद में फीस डिपॉजिट करके एडमिशन ले लेना है। अब जिन कैंडिडेट का अपग्रेड हुआ है, जिनका फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट है, फीस डिपॉजिट है और उनका सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो गया है, तो वो अपने पहले वाली कॉलेज में जाएंगे, फर्स्ट राउंड की कॉलेज में जाएंगे, वहां अपना रिजाइनिंग लेटर देंगे और वहां पर डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और फीस ले लेंगे और रिलीविंग लेटर वहां से ले लेंगे। तो उस कंडीशन में वो सारा रिलीविंग लेटर लेने के बाद में वो सेकंड की जो कॉलेज है, सेकंड राउंड की कॉलेज अलॉट हुई है उसमें जाके अपने एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। यहां जो मैंने पहले एक क्लू बताया था कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया और फर्स्ट राउंड की सीट नहीं लेनी है तो आप ऐसी कॉलेज भर दो जो आपको आसानी से अलॉट हो जाए, वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड का रिलीविंग लेटर लेने के बाद अगर सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं, उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड हो जाएगी लेकिन आप आगे के लिए इलिजिबल रहेंगे। ये आपने याद रखना है यहाँ पर। अब जिन बच्चों का अपग्रेड हो गया उसके बारे में भी मैंने बता दिया है और जिनका फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ है उनके बारे में भी मैंने बता दिया है। तो ये सारा सिस्टम मैंने आपको सेकंड राउंड का बता दिया है यहाँ पर। अब यहाँ जिन कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया वो तो सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होके आगे इलिजिबल है, लेकिन सेकंड राउंड में जिन कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है, एमसीसी के सेकंड राउंड में जिन कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है वो आगे की काउंसलिंग के लिए कहीं भी इलिजिबल नहीं है। इस साल उनका काउंसलिंग प्रोसेस यहीं एंड हो चुका है। तो ये सेकेंड राउंड का प्रोसेस है। इसके बाद हम बात करते हैं मोपअप राउंड की। तो मोपअप राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो मोपअप राउंड में वही कैंडिडेट इलिजिबल हैं जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली, सीट ज्वाइन नहीं किया है, वह कैंडिडेट मोपअप राउंड के लिए इलिजिबल हैं। जिनको सीट अलॉट हो गई थी, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड करवाया है तो वो दोबारा से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मोपअप राउंड में। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जिन्होंने अब की बार ये रूल आ गया है कि स्टेट के सेकंड राउंड में भी ज्वाइन कर लिया है वो भी मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कौन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं? एक तो जिनको सीट नहीं मिली है, दूसरा जिन्होंने फॉरफिट करवाई है अपनी सिक्योरिटी मनी, और तीसरा वो कैंडिडेट जो फ्रेश है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो ये तीन प्रकार के कैंडिडेट यहाँ मोपअप राउंड में इलिजिबल हैं। अब मोपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम है, फीस आपने डिपॉजिट करनी है और उसके बाद में च्वाइस फिल करनी है मोपअप राउंड में। तो मोपअप राउंड में च्वाइस फिल करने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद वही 6-7 दिन का समय दिया जाएगा कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए। तो आपको अगर सीट मिल जाती है तो ठीक है, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप फिर स्टे वैकेंसी राउंड में, अगर सीट वैकेंट होती है तो इस वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर सीट मिल जाती है तो प्रोसेस वही रहेगा, कॉलेज में जाना है, कॉलेज में डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करने, फीस डिपॉजिट करने के बाद में आपने एडमिशन ले लेना है वहां पर। तो ये मोपअप राउंड की कंडीशन है। अब इसके बाद अगर मोपअप राउंड के बाद भी सीट वैकेंट रहती है तो एमसीसी द्वारा स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। उस स्टे वैकेंसी राउंड में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको मोपअप राउंड में सीट नहीं मिली थी। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाता है वो एमबीबीएस के लिए करवाया जाता है, एमबीबीएस कोर्स के लिए करवाया जाता है। और इसके अलावा यहां पर जो स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा वो
मोपअप राउंड की च्वाइसों के अकॉर्डिंग ही करवाया जाएगा, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में कोई किसी प्रकार का न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और कोई च्वाइस नहीं ली जाएगी। वो जो मोपअप राउंड में कैंडिडेट इलिजिबल थे वही कैंडिडेट यहाँ आएंगे जिनको सीट नहीं मिली है, च्वाइस दोबारा नहीं ली जाएंगी, रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा एमबीबीएस कोर्स के लिए। तो ये तो है गवर्नमेंट की कंडीशन में, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड डीम्ड का कंसर्न डीम्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अगर किसी डीम्ड में सीट वैकेंट रह गई तो कंसर्न डीम्ड को ट्रांसफर कर दी जाती है और उसके द्वारा स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे ये लिमिटेड टाइम ही होता है, वो अपनी वेबसाइट पर ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी डीम्ड का कब स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट हो रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करें आगे बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए, तो इनके लिए मोपअप टू कंडक्ट करवाया जाता है इन दोनों कोर्सेज के लिए, तो वो भी मोपअप टू मोपअप के बेस पर ही करवाया जाता है। तो ये कंडीशन थी एमसीसी के स्टे वैकेंसी राउंड की। अब जो इसका काउंसलिंग प्रोसेस होता है स्टेट का और एमसीसी का, तो इस प्रकार से होता है कि एमसीसी का फर्स्ट राउंड पहले कंडक्ट होगा, उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड कंडक्ट होगा, फिर एमसीसी का सेकेंड राउंड कंडक्ट होगा, फिर स्टेट का सेकेंड राउंड कंडक्ट होगा, फिर एमसीसी का मोपअप राउंड कंडक्ट होगा, स्टेट का मोपअप होगा और एमसीसी का स्टे और फिर स्टेट का स्टे। इस प्रकार से स्टेट का एक स्टेप डाउन रहता है काउंसलिंग के लिए। ये काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा एमसीसी का, जो मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो के अंत में फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो इसको डिसलाइक कर दें। लाइक और डिसलाइक के दो ऑप्शन हैं, जो आपको पसंद आता है वही करें। लाइक करेंगे हमारा हौसला बढ़ेगा, इस प्रकार की वीडियोज हम फिर से लेके आएंगे। डिसलाइक करोगे तो फिर हमारा थोड़ा सा एक मोरल है वो डाउन हो जाएगा और फिर हम इस प्रकार के वीडियो लाने से बचते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।